कोताहियां आते हैं, गलतियां होते हैं, मगर इस रास्ते पर चलते जाएंगे तो बतदरीज स्टेज बाय स्टेज छोटे छोटे चीजें, लास्ट ईयर जितना गुस्सा आता था अब उतना गुस्सा नहीं आता, अभी गुस्सा आता है मगर लास्ट ईयर से बेहतर है, पहले से अच्छा है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, और भी पूरा अच्छा नहीं होता, जिस दिन पूरा अच्छा हुआ बर्बाद हो गया, जिस दिन पूरा अच्छा हो अच्छा हो गया समझे तो गए काम से, बस कोई रास्ता हो अच्छा 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 और अच्छा और अच्छा, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई भी हद नहीं है, हर इंसान के लिए जरूरत है कि मैं और अच्छा बनूं, इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते जाए। देखिए अगर हमको लाइफ मैनेज करना हो, अच्छे बनना हो, उसके तकाजों को पूरा करना हो, दाई वक्त बनना हो, तो शायद ही कोई है जो एहतसाब के बगैर, प्लानिंग के बगैर अपने आप की जिंदगी को बढ़ाया। अपना हिसाब किताब कर ले इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब किताब करे। अब कब करना हिसाब किताब? मौलाना इस्ला हिसाब बोलते हैं, मशहूर हिसाब नहीं जानते, चार रकात की नमाज पढ़े, मौलाना तीन रकात में सलाम कर दिए, झगड़ा हो गया मस्जिद में, तीन रकात पढ़े चुकी चार रकात, बीस आदमियां बोले चार रकात, बीस आदमियां बोले तीन रकात, एक सेठ साहब बोले नहीं साहब तीन छह तो क्या जी कैसे जी कर, नहीं रोज ईशा की नमाज में हिसाब कर दो, दुकाना था तीन दुकाना पूरे हुए चौथे दुकान अभी आवाज नहीं, नमाज खत्म होगी उसके तीन छह सौ को दवा ही दे। हिसाब किताब के बगैर दुनिया नहीं चलती। हिसाब किताब करना अपनी जिंदगी का, कब करना? हर इंसान को अपने जिंदगी के मुताबिक, फजर के बाद, ईशा के बाद, असर और मगरिब के दरमियान, कब कभी एक टाइम बैठकर 10 से 15 मिनट सोच लेना, अपनी जिंदगी का जायजा लेना, मुतय्यन करना डायरेक्शन को, आज मैं ये सूरह याद कर लेता, आज ये बैरक कर लेता, ये किताब मुझे पढ़ना है, इस महीने में इस किताब को पढ़ना है। आप भी सोच लीजिए, अपने आप दिमाग में डाल लो, पिछले अभी कोविड पूरा लॉकडाउन है ना, तीन महीने में कौन सी किताब हम पढ़े तुम्हें? किताब कुरान का पहला लफ्ज क्या जो नाजिल हुआ? कल बिखरा पढ़ो, वो एक बोलो ना पोटा कर सब, बाकी का सब भी आते हैं इस्तेमाल को सुन के, मगर पढ़ने का पता नहीं, बिखरा बिस्मिल रब्बिक पढ़ो, वक्त निकाले, तरक्की इसी में है, कामयाबी इसी में है, जन्नत इसी में है, पढ़े लिखे नहीं तो एसएलसी पास नहीं होते, जन्नत की टिकट कहां से मिलेगी? सोचो तो हम पढ़ने वाले बने और प्लानिंग करें, इस महीने में यह किताब पढ़ूंगा, यह सूरह याद करूंगा, यह सीरत सफीने नजात कितनी प्यारी किताब है, हदीस की किताब है, कितने दिन आगे पढ़ लो, रिमाइंड करें क्या अपने आप, देखे क्या तफहीम कब पढ़े, जैसे देखिए हमारी जो रफ्तार धीमी हो रही है, इट हैज डायरेक्टली टू डू विद आवर लव फॉर इट, आवर लव फॉर द बुक।